पॉलीनोमियल्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे और क्वेश्चन को वेरीफाई कराएंगे। तो इसके फैक्टर निकालने से इनटू करने पर 8 आना चाहिए और माइनस करने पर माइनस का 2x, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू जीरो। अब इससे कॉमन निकालेंगे और फिर इससे कॉमन निकालेंगे। तो इससे कॉमन क्या मिल रहा है, x ब्रैकेट में बचेगा x माइनस का 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में कॉमन मिलेगा x माइनस 4 और बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू निकल के आती है x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4। अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब वेरीफाई कराएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 2 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और बाई 1, यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 2। अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 2 इज इक्वल टू सी माइनस 8 अपॉन 1 और 4 टू जा माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके भी सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो इंटू करने पर 4 आना चाहिए और प्लस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो 4x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन निकालेंगे और फिर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कॉमन मिल रहा है 2x, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 और जब यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू निकल के आती है x इज इक्वल टू 1 बाई 2 और सेकंड भी वैल्यू निकल के आती है x इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये फर्स्ट वैल्यू हमारी अल्फा की होती है 1 बाई 2 और सेकंड वैल्यू जो होती है बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए और अल्फा की वैल्यू भी निकाली थी मैंने 1 बाई 2 प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाली थी 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू निकल के आई थी माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन ए की वैल्यू भी है 4। तो इसको ऐड करेंगे 2 बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 4
और जब इनको आपस में ट्रांसलेट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आता है। LHS इज इक्वल टू RHS। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी थी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और ए की वैल्यू 4, तो ये आ जाता है यहाँ पे। अब इंटू करेंगे तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2। आंसर इसमें से प्रूव्ड करना था हमें LHS इज इक्वल टू RHS। अब थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 15। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो स्क्वायर से ट्रांसलेट होगा, इस पे रूट आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू है रूट 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस 15 प्लस माइनस माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी, और बी की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे, बी की वैल्यू तो है नहीं तो जीरो मान लेंगे, तो जीरो अपॉन ए कितना आता है 1, इससे ये कैंसिलेट हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू RHS में प्रूव कर दिया। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, और अल्फा की वैल्यू थी रूट 15, बीटा की वैल्यू थी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है माइनस का 15 इज इक्वल टू 1, रूट 15 माइनस का 15 और इज इक्वल टू माइनस का 15। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का है, उधर जाएगा 10 का हो जाएगा, तो 15 माइनस 15 कैंसिलेट हो जा रहा है, तो 0 LHS इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था हमें। ये हुए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर।